हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है और वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शंस हैं तो वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में वाईफाई स्कैनर सेटिंग्स है, तो वाईफाई स्कैनर सेटिंग्स को कैसे सेट करके यूज़ कर सकते हैं और साथ में वाईफाई के जरिए कैसे स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, तो आप जिसने फ़ोन की आपकी सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको यहाँ से जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पर। तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स ओपन ही आएगी, फिर यहाँ से वाईफाई को ओपन कर लेना है। तो वाईफाई को ओपन कर लेंगे, ओपन करते ही देखते हैं यहाँ पर सेटिंग्स शो हो रही है। जब इसको ऑफ़ कर देंगे तो स्कैनर शो नहीं करेगा और ऑन कर देंगे तो स्कैनर शो करेगा। शो कर रहा है आपके फ़ोन में स्कैनर, तो स्कैनर को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे तो स्कैनर के जरिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और क्यूआर कोड का नेटवर्क अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी दूसरे फ़ोन में आप क्यूआर कोड को ओपन करते हैं तो इस फ़ोन का जो नेटवर्क होता है अपने फ़ोन में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं स्कैन करके, और इससे इंटरनेट आप चला पाएंगे। तो इस तरीके से स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर इस पर जाना होगा क्यूआर कोड पे। जब आप क्यूआर कोड को ओपन करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो क्यूआर कोड को ओपन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो नेटवर्क है किसी भी दूसरे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्यूआर कोड है हमारे फ़ोन में इस वक्त, जो नेटवर्क जो हमारा क्यूआर कोड है कनेक्टेड है हमारे फ़ोन में। तो इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।